बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स। पाक टीवी डॉट टीवी की तरफ से मैं हूं आपकी होस्ट शहनाज महमूद। तो आज मैं मौजूद हूं फैसलाबाद घंटाघर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर तहसील जड़ामाला के एक तारीखी गांव 105 जिगाबे बंगेवाला में। ये तारीखी गांव की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के वाहिद मुश्तरका हीरो भगत सिंह की जन्मभूमि है। उनकी तारीखी हवेली इस गांव में आबाद है। तो आइए चल के उस हवेली की सैर करते हैं, आप भी मेरे साथ आएंगे। तारीख गवाह है, भगत सिंह ने बहादुरी की तारीख रकम करके दिलों पे राज किया, तो उनकी तारीखी हवेली भी तारीखी विरसा बनकर तारीख रकम कर रही है। आइए इस तारीखी हवेली का दरवाजा खोलते हैं। यह है भगत सिंह के हाथों का लगाया हुआ बेरी का दरख्त, जिसकी छांव तले बैठकर वो पढ़ा करते थे। इंकलाबी हीरो सरदार भगत सिंह के जेरे इस्तेमाल कई अशिया आज भी इस हवेली की जीनत बनी हुई है, जैसे ये आहनी तिजोरी। फ्रीडम फाइटर भगत सिंह ने 28 सितंबर 1907 को इस कमरे में आंखें खोली। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इसी बैठक से शुरू हुआ। यह है सरदार भगत सिंह की वालदा विद्यावती के जेरे इस्तेमाल चरखा, जो यकीनन अनमोल है, लेकिन इसके भी कई बार मोल लग चुके हैं। सरदार कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी इस चरखे को ख़रीदना चाहती है, भगत सिंह के ख़ानदान की इस निशानी को अपनाना चाहती है, लेकिन हवेली के मालिक जो है किसी मोल ये चरखा देने को तैयार नहीं। भगत सिंह की ये तारीखी हवेली संभालने का सेहरा साकिब विर्क और उनके पुरखों के सर है। तो आइए आज हम साकिब विर्क साहब से ही जानते हैं, क्या ये हवेली जो है सिख कम्युनिटी, जो कि उनको बार बार प्रेशराइज कर रही है, उनको पैसों की इव्स बेच देंगे और कितने में बेचेंगे या अपने पास रखेंगे। आइए इन्हीं से जानते हैं। इस हवेली की अब तक कितने दाम लग चुके हैं, किसने दाम लगाए हैं और आप बेचने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, इस घर का 50 करोड़ रुपये की मुझे ऑफर है, जिनमें से अमेरिकन सरदार और कैनेडियन सरदार शामिल हैं, और उनका ये कहना है कि हम ये घर लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, हमारी फाउंडेशन बनी हुई है और हम इस घर को वापस अपने सरदारों के नाम लगवाना चाहते हैं, जिस तरह ये 47 में पार्टीशन से पहले सरदारों के नाम थे। तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम इस घर को सेल कर दें या इसके हम दाम मांगें या हम इसको पैसों के इवज़ जो है वो दे दें, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ज़रूर हो सकता है कि ये घर हम फ्री ऑफ कॉस्ट सरदारों के हवाले कर दें, क्योंकि ये घर भी सरदार का था। ये जिस कमरे में खड़े हैं, ये भगत सिंह का जन्म इस कमरे में हुआ था, इस कमरे को भगत सिंह का जन्म स्थान कहा जाता है। तो हमेशा सरदार साहबान से रابطہ रहा है, उनका आना जाना रहा है, और हमेशा जब भी उनसे बात होती है, टेलीफोनिक बात हो या उनसे फ़ेस टू फेस बात हो,
तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप ये घर आपका अपना है, आप जब चाहें आएँ, आप रह सकती हैं। ये घर मेरे फोर फादर्स को 1947 में जब वो इंडिया से माइग्रेट करके आए, ये घर भी और ज़मीन भी, ये दोनों मेरे फोर फादर चौरी मोहम्मद फजल कादर विरक साहब को अलाट हुआ। उनकी बड़ी खिदमात थी उस दौर में, बहुत ज़्यादा सिख सरदार मेहमान हर दौर से ही आते रहे हैं। तो उस दौर में भी उनकी खसूसी काविश थी, क्योंकि उन्हें ये घर बता के दिया गया था कि ये भगत सिंह का घर है और भगत सिंह की ज़मीन जो है वो आपको हैंडओवर कर रहे हैं। 1992 में फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मेरे वालिद साहब चौरी मोहम्मद इकबाल विरक साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट भी थे, तो उनका बहुत ज़्यादा रोल था। और उस ज़माने में भी हमारा बचपन था, हम देखा करते थे कि बहुत ज़्यादा मेहमान, जिनमें हमारे फॉरनर्स और हमारे जो हैं ऑफिशियल, हमारे डिपार्टमेंटल के बहुत सारे जो अफसरान हैं और आम पब्लिकली लोग काफ़ी ज़्यादा आया करते थे। 1890 के बने हुए ये दो कमरे हैं, जिस कमरे में भगत सिंह की पैदाइश हुई थी। ये कमरे 1890 में जब अंग्रेज़ों ने नहरी निज़ाम निकाला, तब ये फैमिली इंडिया के गांव खटकर कलां से उठकर इस गांव में, इस घर में आबाद हुई। और इन दो कमरों की बुनियाद भगत सिंह के वालिद सरदार किशन सिंह और भगत सिंह के चचा और उनके रिलेटिव्स ने मिलकर ये दो कमरे बनाए। और इसको फिर मैंने अब पिछले को 8-10 साल पहले भगत सिंह गैलरी बना दिया। इसमें 400 के करीब मैंने भगत सिंह से रिलेटेड तस्वीर, उनके साथियों की, उनके पेरेंट्स की, उनके उस्ताद, उनके गुरु और जो जो भी जंग आज़ादी में जिनका भी जो अच्छा करदार था, उन सब की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं उस दौर के CID इंस्पेक्टर पन्नू साहब भगत सिंह की तफ्तीश कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं उनकी बेड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये वो दौर था जब कोई सिपाही या कांस्टेबल किसी गांव में या किसी से बात करता था तो लोग घबरा जाते थे। इसमें आप देख सकते हैं कि भगत सिंह उन इंस्पेक्टर साहब की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं और तफ्तीश करवा रहे हैं। ये जो FIR आप देख रहे हैं, JS सैंडर्स जो ASP थे, उनके कत्ल के इल्ज़ाम में जो फिर इन पर भगत सिंह पर जो FIR हुई, ये उस FIR की नकल है जिसको हमने फ्रेम करवा के लगा दिया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको भगत सिंह अपना उस्ताद, अपना गुरु मानते थे, भगत सिंह की सजाए मौत से कुछ 24-25 दिन पहले इनको गोरे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। ये उनकी एक यादगार तस्वीर है। जदों जोहदे आज़ादी की सजा फांसी का फंदा, भगत सिंह आज भी लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, उनकी जान और उनकी ये हवेली हमारे विरसे की शान, इंकलाबी हीरो को हरदम हमारा सलाम। इस घर का 50 करोड़ रुपए की मुझे ऑफर है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम इस घर को सेल कर दें। ये जरूर हो सकता है कि ये घर हम फ्री ऑफ कॉस्ट सरदारों के हवाले कर दें।